दोस्तों, अगर आपके पास एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होगा तो आपको कभी न कभी किसी न किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूर ज़रूरत पड़ी होगी। तो ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो आप कहीं दुकान पर जाएं और उस सॉफ्टवेयर को वहां से इंस्टॉल करवाएं, जिसके लिए दुकानदार आपसे एक लंबी चौड़ी रकम की मांग कर सकता है, और दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास इंटरनेट की। तो दोस्तों, मेरा नाम है अनूप और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के लिए दुनिया के किसी भी सॉफ्टवेयर को फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक थर्ड पार्टी वेबसाइट की बात करने वाला हूं, जहां से आप लगभग दुनिया के सारे सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास भी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है और आपको सॉफ्टवेयर की कभी न कभी जरूरत पड़ती है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और एंड तक देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GetIntoPC.com की। दोस्तों, ये एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है और यहाँ से आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे MS ऑफिस हो गया, Adobe फोटोशॉप हो गया, यहाँ तक कि आप यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाउनलोड कर पाएंगे, जैसे विंडोज, मैक, उबंटू या फिर बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिन्हें आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। अब आपको इस वेबसाइट पर विजिट करने के लिए सबसे पहले अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में ब्राउज़र को ओपन करना होगा। चलिए हम अपने लैपटॉप में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और ब्राउज़र के एड्रेस बार में आपको टाइप करना है GetIntoPC.com। हमने भी ब्राउज़र के एड्रेस बार में GetIntoPC.com टाइप कर दिया है। अब आपको सिंपली एंटर करना है कीबोर्ड पे या फिर आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च करते ही GetIntoPC की वेबसाइट आपके सामने इस तरह से शो हो जाती है, जिसका इंटरफेस आपको इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के लिए बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको यहाँ पर रिकमेंड किए जाते हैं, पर अगर आपको इनकी ज़रूरत नहीं है और आप किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक सर्च बार दिया जाता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ब्राउज़र का सर्च बार अलग होता है और यहाँ पर आपको GetIntoPC का सर्च बार यहाँ पर अलग होता है। आपको GetIntoPC के ऑफिशियल वेबसाइट के सर्च बार पर यहाँ पर क्लिक करना है और आपको जो भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक टैली सॉफ्टवेयर चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पर टैली टाइप करूँगा सर्च बार में और यहाँ से गो कर दूंगा। गो पर क्लिक करते ही हमारे सामने टैली के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो कि अलग अलग वर्जन के होते हैं यहाँ पर शो हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने टैली सॉफ्टवेयर को सर्च किया है और 135 सर्च रिजल्ट शो हुआ है, यानी इस वेबसाइट पर आपको टैली सॉफ्टवेयर या फिर टैली से मिलते जुलते सॉफ्टवेयर करीब 135 सॉफ्टवेयर्स हैं। तो अब आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके देखना है कि आपको टैली के कौन से वर्जन की ज़रूरत है। तो देखिए, यहाँ पर टैली ERP 9 का सॉफ्टवेयर शो हुआ है और नीचे यहाँ पर मिलते जुलते कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको टैली ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आपके सामने टैली ERP 9 शो हो रहा है, इस पर आपको सिंपली एक बार क्लिक करना है। आपके सामने सेकेंड वेब पेज ओपन होता है। अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर जब आप वेब पेज को स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर टैली का ओवरव्यू, साथ ही टैली के बारे में बहुत सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए, टैली ERP 9 के कुछ फीचर्स दिए गए हैं और यहाँ पर आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, टेक्निकल सेटअप डिटेल्स भी दिया गया है टैली ERP 9 का। यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि टैली ERP को इंस्टॉल करने के लिए सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो फ्रेंड्स, आप इस डिटेल को देख सकते हैं। अगर आपको नहीं देखना है कोई बात नहीं, आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आइए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, पर यहाँ पर आपको एक बात विशेष ध्यान रखना है कि आपके लैपटॉप में अगर एंटीवायरस हो तो उसे आपको डिसेबल करना होगा, क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है और यहाँ से आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको एंटीवायरस को डिसेबल करना है। अब आपको डिसेबल कैसे करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको टास्क बार मिलेगा। यहाँ पर आपको एक छोटा सा डॉट मिलता है जो कि आइकन होता है, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। आपके लैपटॉप में जो भी एंटीवायरस होगा वो यहाँ पर शो होगा, जिस तरह से मेरे कंप्यूटर में शो हो रहा है।
अब यहाँ पर आपको एंटीवायरस के आइकन पर कर्सर को ले जाना है और माउस का राइट बटन प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं और इन्हीं ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होता है डिसेबल का। सिंपली आपको डिसेबल पर क्लिक करना है इस तरह से और यहाँ पर ओके कर देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पहले आपको अपने एंटीवायरस को थोड़ी देर के लिए डिसेबल करना है। बिल्कुल इसी तरह से आपको अपने सिस्टम के एंटीवायरस को डिसेबल करना है। उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करते ही ये आपको नए टैब पर रिडायरेक्ट करता है और यहाँ पर टैब पर आपको लिख के आता है वेट फॉर एक्सेस, और कुछ ही क्षणों बाद यहाँ पर प्लीज़ वेट का ऑप्शन आएगा और फाइनली आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि क्या आप अपने सिस्टम में इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली ओके कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ओके कर दिया है और फाइनली यहाँ पर ये हमारे सिस्टम में डाउनलोड भी हो रहा है। फाइनली ये सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पर देखिए लिख के आ रहा है getintopc.com/tally-erp9 full-zip। अब आपको इसे इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको इसी पर डबल क्लिक करना होगा। इसके साथ ही अगर आप फोल्डर में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। आप यहां पर देख पाएंगे सॉफ्टवेयर यहां पर सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह से आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को यहां पर डाउनलोड करना है। चाहे आप जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, यहां से प्रोसेस सेम है, बस आपको इन्हीं प्रोसेस को फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने आपको एक ऐसे वेबसाइट के बारे में बताया जहां से आप अपने लैपटॉप के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि इसी तरह के नए और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिलहाल इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।